गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली से मुलाकात की। गांगुली के कोलकाता स्थित आवास पर शाह खाने पर पहुंचे थे। दोनों की इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि गांगुली भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं। पिछले साल भी इस बात की चर्चा थी, लेकिन तब गांगुली ने भाजपा में जाने से इनकार कर दिया था। शाह से मुलाकात के बाद गांगुली ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने कहा कि अमित शाह लंबे समय से उनसे परिचित हैं, वो सिर्फ मुलाकात करने आए हैं। शाह के साथ इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराने वाले सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने खुद ही सौरव गांगुली के घर जाने की इच्छा जताई थी। इसके बाद खाने की बात हुई। दोनों पक्ष इसे राजनीतिक मुलाकात नहीं बता रहे हैं। इसके बावजूद राजनीति के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा सौरव गांगुली को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती थी। अमित शाह दो दिनों से बंगाल में हैं। उन्होंने एक जनसभा में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर ममता बनर्जी से सवाल पूछे। दूसरी ओर कोलकाता के तृणमूल भवन में जब ममता बनर्जी से गांगुली और शाह के मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, गृह मंत्री सौरव के घर जाना चाहते हैं तो दिक्कत कहाँ है, मैं सौरव से कहूंगी कि उन्हें मिष्टी दही खिलाएं। मुलाकात के पहले गांगुली ने संवाददाताओं से कहा था, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैं उन्हें 2008 से जानता हूं। जब मैं खेलता था तो हम मिलते थे, लेकिन उतना नहीं क्योंकि मैं दौरे पर हुआ करता था। मैं उनके बेटे के साथ काम करता हूं। ये एक पुराना जुड़ाव है। वो शाकाहारी हैं, इसलिए उनके लिए घर पर शाकाहारी खाना बना है। बेशक सौरव गांगुली इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सौरव गांगुली के घर पर खाना खाने के कई मायने हैं। ये सिर्फ बात दोस्ती तक सीमित नहीं है, बंगाल को एक संदेश भी दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी ये प्रयास कर चुकी है, लेकिन तब सौरव गांगुली बीजेपी के साथ शामिल नहीं हुए थे। एक बड़ी वजह उस वक्त उनकी अस्वस्थता को भी बताया जा रहा था। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि सौरव गांगुली बीजेपी के साथ जुड़ते हैं और बीजेपी का चेहरा बनते हैं तो एक बड़ा खालीपन पश्चिम बंगाल में भरने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कोई बड़ा चेहरा न होना। साथ ही साथ कई और नेताओं का अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाना भी इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत बंगाल में है, खास तौर पर एक बड़े चेहरे के तौर पर जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके। सौरव गांगुली इसके लिए एक शानदार पसंद दिखाई पड़ते हैं। सौरव पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध हैं। क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने एक सफल कप्तान के तौर पर भारत का नाम रोशन किया है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली की आज भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। देखना होगा बीजेपी राजनीतिक लामबंदी में क्या सौरव गांगुली को अपने खेमे में लाने में कामयाब होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।